हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक, न्यू एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बनाने वाले हैं हम कुछ न्यू आइडियाज। फ्रेंड्स, ये यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रिंग लाइट बनाने वाले हैं, तो अब मैं आपको किस चीज़ से बनाकर दिखा दे रहा हूँ, मैं किस चीज़ से बनाऊँगा, तो फ्रेंड्स देख लीजिए। ये अपनी मम्मी से मांग लीजिएगा फ्रेंड्स, चोरी मत कीजिएगा फ्रेंड्स, ये 10 रुपये में मिलेगा, आप ख़रीद भी सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देख लीजिए, जो ऊपर का ये चाकर का जो पट्टी दिख रहा है, हमें इसकी ही ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स, तो हम इसको ले लेंगे। तो सबसे पहले लेंगे किस तरह, तो फ्रेंड्स इसे काटना पड़ेगा, तो इसे मैं कटर के द्वारा इजीली पहले इसे मैं फास्ट स्पीड में काट लेता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैंने इसे काट लिया फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिए। इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, देखिए इसमें आपके दांत के जैसे आप इसमें भी दांत निकले हुए हैं फ्रेंड्स, तो इस दांत को भी हमें काटना होगा। तो पहले इसे हम काट लेते हैं, उसके बाद आगे के प्रोसेस बताते हैं। आप अच्छी तरह से इसे सैंड पेपर या इसे भी काट सकते हैं, मैं बाद में सैंड पेपर से या रेती से मैं इसे काट लूँगा। तो सबसे पहले इसे कटर से काट लेते हैं छोटे छोटे। देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने इसे अच्छे से रिंग मार लिया, रेती की मदद से इसे मैं घिस रहा हूँ, आप भी घिस सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके दांत मैंने घिस कर छोटे कर दिए हैं फ्रेंड्स, ये आपको मैंने बाद में इसे रिंग मार पेपर से आपको साफ करके मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, मैं बाद में इसे कर लूँगा। आप भी अच्छी तरह से शुरू में आप कर लीजिए, बाद में मत कीजिएगा आप, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें हम मार्कर करेंगे कुछ, तो आप देख सकते हैं इसकी पट्टी आरी आरी से निकली हुई है, इस तरह भी आपको लेना है। तो हम इसमें मार्क करेंगे फ्रेंड्स, तो आप 4 या 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको मार्क लगाना है। तो फटाफट हम अपने हिसाब से आप मार्क लगा लीजिए, अब मैं भी अपने हिसाब से मार्क लगा ले सकता हूँ, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स, अपने हिसाब से मार्कर लगा सकते हैं आप। तो आप देख सकते फ्रेंड्स, मैंने इसे 4 या 5 सेंटीमीटर की दूरी पर मैंने इसे मार्कर से मार्क कर लिया है। अब फ्रेंड्स इसमें हम 2-2 होल करेंगे, क्योंकि इसमें हम 1/2 वाट की LED लगाएंगे फ्रेंड्स, 8mm के LED को, तो इसमें हम चारों को छेद करके मैं LED लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसमें LED लगा दी है, आप देख सकते हैं मैंने 1/2 वाट में LED लगाई है, 8mm की LED। आप अपने हिसाब से कोई भी आप LED भी ले सकते हैं, आप 1 वाट का भी ले सकते हैं LED, जो बॉटम LED होता है वो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपको ये 1/2 वाट की LED ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसे लगा लिया फ्रेंड्स, इसका वायरिंग भी हम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, आपको नेगेटिव सारे एक तरफ, पॉजिटिव सारे एक तरफ आपको कनेक्ट कर लेना है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने माइनस को सारे LED के माइनस एक तरफ, LED के प्लस सारे एक तरफ मैंने इसे कर लिया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें तार वगैरह टूट भी सकता है, तो इसमें हम वाइट टेपिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। आप कोई भी टेपिंग कर सकते हैं जिससे उजाला बने रहे, ख़त्म ना उजाला हो, उजाला उसमें से निकलता रहे, तो इसमें हम सबसे पहले हम वाइट टेपिंग करेंगे फ्रेंड्स, आप भी वाइट टेपिंग कर सकते हैं। आप देख लीजिए फ्रेंड्स, आप इसी को लेना है आपको, ये जो मैंने लिया इसे आपको 10 रुपये मिल जाएगा, आप इजीली काट कर अपने घर पर बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसे टेपिंग कर लेते हैं, तो आपको
चौड़ा वाला या पतला वाला, आपके पास कोई भी वाइट टेप हो तो आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स, आपको अलग से कोई टेप नहीं लगाना है। जैसे काला में या नीला में आपको कोई भी टेप नहीं लगाना है, आपको वाइट ही लगाना है। या आपको जो मोटर रिपेयरिंग शॉप होता है वहाँ पर आपको कुछ पेपर मिलते हैं वाइट कलर के, आप वहाँ से आप वो भी जाकर परचेस कर कर ले सकते हैं। आप आपके लोकल मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा पेपर, बहुत आसानी से मिल जाता है फ्रेंड्स। तो हम वाइट पेपर से सारे को कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैंने सारे को वाइट पेपर से कर लिया है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं गाइस, आपके सामने मैंने पूरे को एलईडी को मैंने वाइट टेप से इसे ढक दिया है। दो वायर सिर्फ निकाला है फ्रेंड्स इसमें पावर देने के लिए। पावर देने के लिए माइनस प्लस क्या यूज करना है आपको, तो आप माइनस प्लस किसी भी तरफ देख लीजिएगा किस वायर को आप किस चीज़ में रख रहे हैं, उसके बाद आप कनेक्शन कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसको हम रोकने के लिए भी कुछ जुगाड़ लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, आपको लकड़ी कुछ टुकड़े लेने हैं, मैंने इस पर कटिंग कर दिया है, इस पर आपको लगा कर बांध देना है। आप फ्रेंड्स इसमें नट या बोल्ट भी कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल मैं इसे बांध दे रहा हूँ। नट बोल्ट इसमें बहुत आपको ज़्यादा तक आपको देखना पड़ेगा, लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए। तो आपको मैं इसे बांध कर ही जल्दी जल्दी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं फ्रेंड्स इसमें पतला वायर से मैं बांध दे रहा हूँ, इसलिए आप किसी भी वायर से भी बांध सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, परेशानी भी नहीं होगी ना दिक्कत होगी, दिक्कत परेशानी एक ही बात है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने दोनों साइडों में आपको बांधना है अच्छी तरह से। इसके बाद इसका हैंडल भी बनाएंगे फ्रेंड्स। तो आप देख आगे वीडियो को फुल वॉच करते रहिए, मैं आपको आगे की नॉलेज देता रहूँगा फ्रेंड्स। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो एमडी बोर्ड पे बनाते हैं फ्रेंड्स, एमडी बोर्ड न मिलने के कारण मैं इसी पे बना रहा हूँ। आपको इससे सस्ता आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बनाकर दिखाएगा फ्रेंड्स, आपको सिर्फ एलईडी का खर्चा लगाना है फ्रेंड्स। देखिए अब इसका हैंडल बनाएंगे फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैंने इसके साइज़ का मैंने एक टुकड़ा लिया है। आप ये जो आपको फ्लैक्स जो आपके पोस्टर वगैरह कुल बनते हैं ना, वहाँ पर आपको इजीली लकड़ी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, या आपके फर्नीचर की दुकान पर ये मिल सकता है। तो मैं आपको इस पे कुछ मार करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इसी तरह आप भी इजीली अपने हाथों से कट कर कर और उसमें सेटिंग कर सकते हैं। इसमें आप नट बोल्ट किसी देख लीजिए फ्रेंड्स, इसे आपको तिरछे राउंड वैसे जितना है उतना आपको काट लेना है, इसी साइज को आप काट कर उस पर आप लगा सकते हैं, तो आपका इजीली इस पर बैठ जाएगा। उसके बाद आपने आपके घर जो भी हो आप वो यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं इसे काट लिया हूँ, देख लीजिए फ्रेंड्स काट कर इसे मैंने एक कील ठोक कर यहाँ पर कुछ बांध लिया है वायर से, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है इसलिए मैंने आप खुद ही बांध लिया है। तो आप इसका कुछ लुक देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसके दो वायर निकाल लिए फ्रेंड्स, एक पीला एक नीला है। तो पीला मैंने पॉजिटिव रखा है और नीला मैंने माइनस रखा है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आपके सामने है। इस आपका लुक इस तरह आपको कुछ दिखेगा जैसे दिख रहा है ट्रैक्टर का हैंडल है फ्रेंड्स, लेकिन हैंडल नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपको इसे कुछ चेक करा कर आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, देखिए 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 फ्रेंड्स, हैंडल भी इस तरह नहीं नचता है फ्रेंड्स जिस तरह मेरा एलईडी नचता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आपके सामने मैं आपको लाइव दिखा कर चला कर दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊँ, ये चार्जिंग आपको मैं जिस चीज़ से चेक करा कर दिखा रहा हूँ ये बहुत कम पावर देता है फ्रेंड्स। आप 7 वोल्ट तक इजीली इसे आप चलाएंगे तो आपका अच्छा उजाला करेंगे। तो मैं आपको चार्जिंग भी दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मोबाइल का चार्जर फ्रेंड्स, इससे आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपको ये कस नहीं उजाला देगा। तो आपको 7 वोल्ट तक आपको लमसम चाहिए इस एलईडी को चलाने के लिए। बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई हैं जो ये नहीं बताते, मैं आपको बता दे रहा हूँ फ्रेंड, आपको लमसम 7 वोल्ट तक चाहिए। तो मैंने इसमें दिन टेस्टिंग किया, अब मैं इसे नाइट भी टेस्टिंग कराऊंगा फ्रेंड्स, आपके सामने ही है, मैं आपको नाइट टेस्टिंग में करा देता हूँ। तो आप नाइट टेस्ट भी कर लीजिए फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं किस तरह उजाला करा है फ्रेंड्स, आपके सामने लाइव है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं उजाला इसका बहुत मस्त है। आप इस तरह ही बनाइए अपने घर में, अच्छी तरह से लगाइए फ्रेंड्स।